हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया केस स्टडी जो रिसेंटली किसी इंडस्ट्री में घटित हुई थी, तो उसकी मैंने केस स्टडी तैयार की थी। और उसका आज जो टैग है वो है कि कैन अ कूलिंग टावर कैच अ फायर, क्या एक कूलिंग टावर में आग लग सकती है, और अगर लग सकती है तो क्यों, और नहीं लग सकती है तो क्यों, इसकी मैंने केस स्टडी की। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। दोस्तों, ईयरली मॉर्निंग में अप्रोक्स 10 बजे एक इंडस्ट्री है, उसका नाम मैं मेंशन नहीं कर सकता, उसके कूलिंग टावर में आग लग गई। और आग लग गई ये तो ये है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, कूलिंग टावर में आग लग गई। दूसरा, व्हाई डिड हैपेंड, वह क्यों घटित हुआ, यानी कि कूलिंग टावर में ऐसा क्या हुआ कि आग लग गई। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ, क्यों आग लगी। दोस्तों, बेसिकली कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर का काम जानते ही हो कि जो कूलिंग वाटर कंडेंसरों में जाता है, फिर वो हीट एक्सचेंज हो जाती है तो वो गर्म हो जाता है पानी, और फिर वो कूलिंग टावर में आके ठंडा होता है, फिर वही सर्कुलेशन चलता रहता है। मैंने यहाँ कूलिंग टावर बनाया है, ये पंप है, पंप ठंडे पानी को सक्शन लिया, और ये जो है कूलर, कौन सा कूलर है दोस्तों, टॉलविन कूलर। एक ये कूलर ऐसा है जो टॉलविन को ठंडा करता है। ये टॉलविन इन हुई ट्यूब साइड में और ट्यूब साइड से ठंडी हो गई, टॉलविन आउट हो गई, और फिर ये पानी जो है सेल साइड में इन हुआ और सेल साइड से, जैसे ये यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री का इन हुआ, 50 डिग्री का आउट होके फिर यहाँ पे ठंडा होके फिर यहाँ पे 30 डिग्री का हो गया। ये प्रोसेस थी उस प्लांट की। अब दोस्तों, हुआ यूँ कि ये जो टॉलविन कूलर है, तो टॉलविन कूलर का जो ट्यूब होता है, ट्यूब लीक कर गई, क्योंकि सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है, ट्यूब लीक हो गई। तो ट्यूब जब लीक होगी तो ट्यूब साइड की जो टॉलविन है वो सेल साइड में आ गई, सेल साइड में चूंकि हमारा कूलिंग वाटर जा रहा था तो कूलिंग वाटर में हमारा टॉलविन आ गई, और टॉलविन प्लस कूलिंग वाटर दोनों इस जो है कूलिंग टावर पे गए। आप जानते हो कि कूलिंग टावर में डायरेक्ट पानी नीचे नहीं आता, उसके लिए हमारे फिल्स लगी होती हैं, लकड़ी की फिल्स लगी होती हैं, पूरा ये पानी पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है इन फिल्सों पे, गिर गिर के तब जाके नीचे आता है, तब ज़्यादा रिटेंशन टाइम मिलता है इस पानी को, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आता है एयर के, और वो ठंडा होकर नीचे आ जाता है। तो ये फिल्स जो बनी होती हैं मुख्यतः या तो जो प्लास्टिक की बनी होती हैं या लकड़ी की बनी होती हैं। तो यही हुआ कि यहाँ पे ट्यूब लीक हुई, पूरी टॉलविन यहाँ पे फिल्स पे आके फैल गई, चिपक गई। अब दोस्तों, हुआ ही हो कि 10 बजे का टाइम था, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं कहीं भी जो प्लेटफॉर्म जो है चलने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा था, यानी कि चलने का एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा था, तो उसी के लिए कटिंग वेल्डिंग का जॉब था। कहाँ पे दोस्तों, यहीं पे हमारा कूलिंग टावर के आसपास कोई जो है सपोर्टिंग प्लेट लगानी थी वेल्डिंग करके, सपोर्ट प्रदान करने के लिए, तो सपोर्ट प्लेट लगाने के लिए हम वेल्डिंग की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे दोस्तों जो परमिट बना था, जो परमिट कटिंग एंड वेल्डिंग का हॉट वर्क परमिट, तो वो तो बन गया। लोगों ने ये माना कि कूलिंग टावर में तो कटिंग एंड वेल्डिंग के लिए हॉट वर्क परमिट की ज़रूरत है ही नहीं, उन्होंने नॉर्मल जो है कोल्ड वर्क परमिट दे दी कि ले जाओ इसे, और क्योंकि हमारा कूलिंग टावर में आग लगने का कोई चांस ही नहीं, वो तो पानी ही पानी है, पानी में कहाँ से आग लगेगी। लेकिन दोस्तों, जब वो कटिंग वेल्डिंग करने यहाँ पे वो बंदा पहुँचा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो थी वहाँ पे पहुँची वेल्डिंग करने, तो जैसे ही वेल्डिंग की, उसके स्पार्क से, चूंकि यहाँ पे पूरी टॉलविन है पानी में, तुरंत उसके स्पार्क से पूरा इसमें फायर लग गई, और पूरी भयंकर से हमारा कूलिंग टावर धो धो करते हुए जल उठा। तो ये घटना हुई, और इसमें अब देखते हैं कि फॉल्ट एंड वीकनेस क्या है, क्या क्या फॉल्ट हैं इसमें और क्या क्या वीकनेस है। तो फॉल्ट दोस्तों ये है कि जो परमिट सिस्टम था, परमिट सिस्टम सही ढंग का नहीं बना था। यहाँ पे हॉट वर्क परमिट चाहिए था, लेकिन उन्होंने नॉर्मल परमिट से काम चला लिया। दूसरा,
यहाँ पे कोई डिटेक्टर नहीं था, जैसे टोलविन डिटेक्टर हुआ या टोलविन ट्रांसमीटर हुआ जो तुरंत डिटेक्ट कर दे कि हाँ पानी में टोलविन आई है, या कोई अलार्म नहीं था या कोई इंटरलॉक सिस्टम नहीं था जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं हुआ। और तीसरी जो गलती ये हुई कि जो गया था वो कटिंग एंड वेल्डिंग करने, तो वो स्मेल भी उसे नहीं आई, बिना स्मेल के ही उसने काम करना शुरू किया। चौथा जो है सुपरवाइजर जो होना चाहिए वहाँ पे वो नहीं था मौजूद। तो ये सारी जो है फॉल्ट एंड वीकनेस थी यहाँ पे। अब व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो दोस्तों। मेरे जो केस स्टडी बनाने का मतलब यही होता है कि हम कोई भी चीज़ दो चीज़ों से सीख सकते हैं, दो तरह से, या तो खुद की गलती करके सीखें या दूसरों की गलती से सीखें। तो खुद खुद की गलती से सीखने का मतलब कि आप भी कूलिंग टावर में आग लगाओ जो गलत है, और दूसरों की गलती से कि मैंने आपको ये बताया और ये चीज़ आप फ्यूचर में ना करो अपने प्लांट में, और अच्छे से परमिट सिस्टम वगैरह या जो भी है उसका अच्छे से ध्यान में रख के जॉब